62वें महापरिनिर्वाण दिवस पर जो बाबा साहब का आज जो श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लगा हुआ है, उसी तांते के अंदर हमारे बीच में कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि आज जो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, जो आप लोग क्यों आए, क्या कारण है आपका श्रद्धांजलि देने का। सर पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताएँ। मेरा नाम मोहम्मद एजाज खान है, मैं जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ दिल्ली में नजफ़गढ़ ज़िले पर जी। सबसे पहले मैं बता दूँ कि यदि मुसलमानों में पैगंबरों का सिलसिला नहीं ख़त्म होता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैगंबर हुआ करते, इतनी बड़ी मर्तबा है इनकी। रही बात कि एक समाज के लिए नहीं, ये सर्व समाज के लिए, खास करके मुस्लिम समाज के लिए मैं कह दूं कि मुस्लिम समाज के लिए जितनी बातें दलित के लिए कही गई है उससे कहीं ज़्यादा मुस्लिम समाज के लिए कही गई, क्योंकि हमें और इस दलित समाज को बिल्कुल ही अछूत माना जाता था और आज भी माना जाता है। आज भी सुदूर गांव में जाओ तो ठाकुर घर में हमें नहीं जाने दिया जाता है, हमारा पानी छुआ हुआ भी नहीं पिया जाता है और इनका पानी भी छुआ नहीं पीते। और जो समाज के हमें, अगर हिंदू समाज से हैं ये लोग मानते हैं आज भी कि हिंदू समाज से हैं, तो और वो कौन क्या मानते हैं, हिंदू समाज का चौकीदार ये जो दलित समाज है इसको चौकीदार मानते हैं और चौकीदार को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। सूझ से सलाह से लेकर के हम जो तो पूरे महल तक हम बनाते और हमें जो है वो अंदर जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि महार तालाब का कहानी आपको मालूम होगा बाबा साहब का, जब मामला हुआ और पानी नहीं पीने दिया गया तो कुत्ता को छोड़ दिया, कुत्ता गया नहा के आया, कहा कि भाई कुत्ता तो बाथरूम कर दिया, नहाने के बाद तो पानी तो अशुद्ध हो गया, कैसे होगा, फिर जाके जत्था पी। और मुस्लिम समाज का भी यही हालत है। मैं ये बताता हूँ कि आज मुस्लिम समाज की सोच ये है कि यदि बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती के मिशन से अगर मैं जुड़ जाता हूँ तो हमारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से 6,743 जातियों में दलित समाज को बांटा गया है उसी तरह मुस्लिम समाज को भी बांट दिया गया। मैं साफ बता दूं कि आज जो अंसारी हैं, दुनिया है और छोटे लोग हैं, आज भी उसी मानसिकता से लोग सोचते हैं कि इनको भी दबा के रखो, तो ये बराबरी का अधिकार हमें मिला है। और मैं माइग्रेंट था, मैं बिहार से चल के आया और यहाँ आकर के इतना बड़ा मर्तबा इस पार्टी ने दे दिया, बहन जी ने दे दिया साहब का आशीर्वाद, हमने बाबा साहब के आशीर्वाद से, तो आज मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और मुस्लिम समाज धन्य मानता है। अभी आपको काउंसलर का चुनाव हुआ मेरठ और अलीगढ़ से, जो हमारे मेयर जीत के आए, बहुत सारे लोग जीत के आए, तो इमामों ने, मस्जिद के इमामों ने ऐलानिया कह दिया कि अब हमारे लिए कोई दूसरी पार्टी नहीं है सिवाय बहुजन समाज पार्टी के, इसी के तहत जीत करके आइए। पार्टी की बात ना करके अब अगर हम बात करें कि मुसलमानों के लिए बाबा साहब ने क्या करा ऐसा जो आप बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने आए हैं। हाँ, मुसलमानों के लिए जब संविधान लिख रहे थे तो संविधान को अगर अंदर से पढ़ेंगे तो जो लागू होता है इनके लिए वही लागू हमारे लिए होता है। हम जहाँ जहाँ उपेक्षित हैं वहाँ वहाँ हमारा अगर आरक्षण का मांग किसी ने किया है तो बाबा साहब ने, दलित समाज का मांगा और कहा कि अल्पसंख्यक को भी दो, धार्मिक अल्पसंख्यक हम हैं और इनको भी अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए और बराबरी का अधिकार होना चाहिए। हम अपने यहाँ एक रूढ़िवादी मामला है कि हमारी बहन बेटी पढ़े नहीं, जैसे दलित समाज में कहा जाता था, तो आज वो उन्हीं के कहने के मुताबिक, उन्हीं के कानून के मुताबिक हम अपनी बहन बेटियों को पढ़ने का मौका, आज़ादी का मौका सब कुछ दिया है। बहुजन समाज पार्टी में हमारा जो है हित है, बाबा साहब ने हमको हित साधने का तरीका दे दिया है। और अभी जैसे मास्टर जी कह रहे थे कि सत्ता की चाबी अगर हमारे हाथ में आ जाए तो किस्मत का हर ताला खुल सकता है, तो मैं इस तरह से मैं बहुजन, अब आप मुस्लिम समाज से क्या अपील करना चाहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से आप कैसे जोड़ना चाहते हैं इन लोगों को? मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई मुसलमानों ये सुन लो कि जिस तरह से माने आने वाले 70-75 सालों में आपको ठगा गया है और कुछ नहीं मिला सिवाय कत्लेआम के, सिवाय राइट्स के, सिवाय मारकाट के कुछ नहीं मिला है, तो यहाँ आने के बाद आपको एक बात बता दें अंदर की, जब बहन जी की सरकार थी तो ईदगाह तोड़ने की बात बनारस की बात हुई तो बहन जी ने 15 महीने में अपनी फुल फ्लेजर सरकार को माने डिजॉल्व कर दिया, क्यों कि हम मर सकते हैं, हम कर सकते हैं, सत्ता दोबारा ले आएंगे लेकिन किसी के धार्मिक स्थल को हम तोड़ने नहीं देंगे, तो ये हमारी सोच है और पूरे मुसलमानों की, भारत के मुसलमानों की सोच है कि हम बहुजन समाज पार्टी को लेकर के आएंगे और आने वाले टाइम में हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, इसमें धार्मिक अल्पसंख्यक का और मुसलमानों का और तमाम लोगों का हित साधा जाएगा, हमें ऊँचे स्थान मिलेंगे, ये है जनाब। धन्यवाद।